नमस्कार, मैं पिंटू चिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जरायम की दुनिया से निकलकर सियासी गलियारे तक पहुंचने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी ने कई राजनीतिक दलों का इस्तेमाल अपने ढंग से किया है और बाहुबल के दम पर कमजोर उम्मीदवार की जीत भी सुनिश्चित करने वाले मुख्तार अंसारी के साथ राजनीतिज्ञों ने पकड़ा भी और छोड़ा भी, लेकिन मुख्तार अंसारी ने अपनी व कुनबे के लिए राजनीतिक जमीन कब्जाने के लिए हर दाव चला है। वर्ष 1996 में पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने बसपा के साथ सपा के साथ भी इस्तेमाल अपने ढंग से किया है। दो बार निर्दलीय उम्मीदवार रहकर भी विधानसभा चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से दूरी होने के पर अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाने में भी समय नहीं गंवाया। मुख्तार 5 बार विधायक बने और 2 दशकों तक उन पर कदमों को कानूनी दांवपेच के बलबूते किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने दिया। वर्तमान में मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव में सपा के सहयोगी दल सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ की सीट से विधायक बने। मुख्तार के विरुद्ध हत्या का पहला मुकदमा 1986 में दर्ज हुआ था, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार पर तत्कालीन कांग्रेस नेताओं का हाथ रहा और प्रदेश में सरकारें तो बदलती रही पर किसी ने बाहुबली मुख्तार के विरुद्ध कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नहीं जताई। मुख्तार अंसारी के आतंक के किले में 4 दशक बाद पहली बार योगी सरकार ने सेंध लगाई है और वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया व अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बड़े अपराधियों के विरुद्ध कोर्ट में प्रभावी पैरवी का भी निर्देश दिया गया। इसके बाद ही अभियोजन विभाग ने मुख्तार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में भी पैरवी तेज कर दी। एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे के अनुसार मऊ के दक्षिण टोला थाने में वर्ष 2010 में हुए राम सिंह मौर्य व उनके गनर की हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे में मुख्तार के विरुद्ध गवाही पूरी हो चुकी है और जल्द सजा सुनाई जाएगी, जबकि धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोप तय होना था। इसी बीच मुख्तार अंसारी पंजाब में धोखाधड़ी के मामले में रूपर जेल चले गए थे। अभियोजन की कोशिश में ही वो यूपी की जेल में वापस लाया गया। इन दोनों मामलों में भी पैरवी तेज हो गई है। राम सिंह मौर्य हत्याकांड में 28 सितंबर को फिर सुनवाई होनी है और इस महीने की 4 तारीख को। यूपी, दिल्ली व पंजाब में 25 मुकदमे हैं विचाराधीन। मुख्तार के विरुद्ध यूपी में 22, दिल्ली में 2, पंजाब में 1 मुकदमा विचाराधीन है। अभियोजन विभाग बीते 5 वर्षों में मुख्तार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में पैरवी तेज की है और एडीजी अभियोजन के अनुसार मुख्तार अंसारी के पंजाब के जेल से बांदा जेल आने के बाद उसके विरुद्ध वाराणसी की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में चल रहे धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय कराया गया है और अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही है। और एक और मामला जिसमें गनर को धमकाया गया था उसमें 7 साल। नमस्कार, मैं पिंटू चिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जरायम की दुनिया से निकलकर सियासी गलियारे तक पहुंचने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी ने कई राजनीतिक दलों का इस्तेमाल अपने ढंग से किया।